हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रिसर्च वाईफाई फिर एक बार आपके साथ कनेक्ट हो गया। आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग की। जी हाँ, आपने सही सुना, गेम की। यह वही चीज़ है जो इंसान को बेहतर भी बना सकती है या हैवान भी बना सकती है। फिर भी कहा जाता है ना, कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसलिए गेम इंसान को अच्छा भी बना सकती है या बुरा भी बना सकती है। चलिए, आज का टॉपिक यही है, गेम हमारे इंसानों के लिए अच्छे है या नहीं। गेम भी कई टाइप की होती है, एडवेंचर, एक्शन, पजल, रेसिंग, स्पोर्ट्स, स्ट्रेटजी, कई और भी टाइप की गेम रहती है, पर ज़्यादा यही खेली जाती है। वैसे गेम खेलने वाले के भी कई टाइप है, बच्चे, बूढ़े, युवा, ये सब गेम खेलते हैं। गेम खेलने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन कई बार हमारी उम्र के हिसाब से हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे पाती। तो बात करते हैं एक्शन गेम की। एक्शन गेम से बच्चे की फोकस मेंटालिटी स्ट्रांग होती है। छोटी उम्र के बच्चों को फिजिकली या मेंटली जो ट्रेनिंग नहीं दे पाते हम, वो एक गेम सिखा देती है। गेम से छोटी उम्र के बच्चों को भी वेपन्स या मिसाइल का नॉलेज मिल जाता है, जो अच्छा नहीं है। एक्शन गेम से होने वाली मारामारी या वायलेंस से बच्चे के ब्रेन पर भी इफेक्ट हो सकता है। पजल गेम जो बच्चों को छोटी उम्र में अपने ब्रेन पे फोकस करवाती है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पजल सोल्व करें वैसे ट्राई करते हैं। ये कोई भी स्कूल या माता पिता छोटी उम्र में अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते, और अच्छी पजलें ब्रेन को ब्राइट भी करने देती है। एडवेंचर जो ज़्यादा 3D में खेली जाती है और खेलने वाला प्लेयर सब चीज़ को टॉप व्यू से देखता है और रियल लाइफ में भी सब चीज़ें उसे छोटी दिखाई देती है। एडवेंचर में ज़्यादा मिस्ट्री सॉल्व मिशन रहता है, उससे एक टीम मेंबर या लीडरशिप की स्किल मिलती है, जो उसके लिए अच्छी बात है। स्पोर्ट्स, ये बच्चे, बूढ़े या युवा, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स की गेम खेले और कोई भी स्पोर्ट्स की गेम खेले, वो गेम को समझ लेता है। मान लो कि वो फुटबॉल की गेम खेलता है, तो रियल लाइफ में भी वो फुटबॉल के नियम अच्छे से पता होंगे और वो उसको सही से समझ लेगा। मान लो कि उसे फुटबॉल की किताब पढ़ने को दी होती, तो वो इतनी अच्छे से नहीं सीख पाता, लेकिन एक गेम ने उसे सिखा दिया। रेसिंग की गेम खेलने वाले को ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की स्किल मिलती है। खेलने वाला प्लेयर को सिर्फ फिनिशिंग लाइन ही दिखाई देती है, जो यही उस पर फोकस करता है, इसीलिए वो रियल लाइफ में भी ऑब्जेक्ट यानी अपने करीब की सभी चीज़ को अच्छे से देखता है। स्ट्रेटजी वाली गेम खेलने वाला प्लेयर कम उम्र में पॉलिटिक्स सीख लेता है और साथ ही डिसीजन मेकिंग स्किल भी सीख लेता है। वो रियल लाइफ में भी कहीं भी अच्छे से कहीं फास्ट डिसीजन ले पाता है। स्ट्रेटजी वाली गेम में ज़्यादा किंग अपने क्लैन को ग्रोथ करता है और वो क्लैन के बीच वॉर होता है। ऐसा नॉलेज कोई स्कूल या पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं दे पाता, जो एक गेम सिखा देती है। लेकिन ये सब कुछ हद तक ही अच्छा है, और हद से ज़्यादा खेला तो उसके नेगेटिव रिजल्ट या इफ़ेक्ट हो सकती है। जैसे अल्कोहल कुछ हद तक लिया जाए तो हमारे कोलेस्ट्रॉल HDL पर सही इफ़ेक्ट रहता है, पर हद से ज़्यादा लिया जाए तो उसे पियक कर कहते हैं। वैसे ही देखते हैं गेमिंग के साइड इफ़ेक्ट। गेमिंग हद से ज़्यादा खेला तो वो खेलने वाले प्लेयर पर हैवान की तरह बैठ जाता है। चाहे वो कोई भी गेम हो, उसे खेलने वाले को फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, उसे कहीं मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, उसे खेलने वाला प्लेयर अपनी फीलिंग्स पर ही काबू नहीं रख पाता और उसे कहा जाए कि गेम खेलना छोड़ दो, तो वो एक हैवान की तरह गुस्सा कर बैठेगा या झगड़ा कर बैठेगा। वो एक गेम एडिक्ट बन चुका है, वो एक ड्रग्स के माफिक गेम को ले रहा है। वो गुस्सा करेगा, वो मारपीट करेगा, उसकी फीलिंग्स के साथ एक गेम खेलता है।
वो एक्शन गेम खेलता है तो वो लोगों को एक एनिमी की तरह देखता है। वो सिर्फ अपना टारगेट समझ बैठता है। सिर्फ गेमिंग ही उसके लिए सब कुछ है इस दुनिया में, वैसा उसे लगता है। वो सिर्फ एक ही VFX की दुनिया में खो जाता है और वो अपने लाइफ को एक स्टोरी समझ लेता है। लेकिन एक गेमर या एक प्लेयर गेमिंग के ज़रिए पैसे कमा रहा है तो वो चाहे कितनी भी गेम खेले, वह उसे लिमिट में रखता है। उसे पता होता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए गेम खेलता है और वो गेम को अपने पर हामी नहीं होने देता। तो मेरा भी यही कहना है, कोई भी गेम खेलो, गेम खेलने की कोई भी उम्र नहीं होती, लेकिन कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी रहती है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो आई होप आपकी कन्फ्यूज़न कि गेमिंग अच्छी है या नहीं वो सॉल्व हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी।